हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का जो वीडियो है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ अफोर्डेबल आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, या फिर आपके पास जो है उससे आप कैसे मिक्स मैच करके एक नया आउटफिट क्रिएट कर सकते हो फॉर दिस फेस्टिवल सीजन। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हो स्क्रैच से। आप ये देखो, ये मेरा एक फुलकारी दुपट्टा था जो बहुत ही लंबा चौड़ा सा दुपट्टा था। ये मेरी मॉम अमृतसर से लेके आई थी, आई थिंक फॉर 800 और 900 बक्स। तो ये बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है एंड इस पे जो वर्क है बहुत डेंस है, बट ये दुपट्टा इतना लंबा चौड़ा था ना कि इसको कैरी करना भी एक टास्क था। तो हम लोगों ने सोचा, मेरी मम्मी ने एंड मैंने, कि हम इसे जो है एक काफ्तान में कन्वर्ट करवाएंगे। द रीज़न इज़ कि ये एक प्रॉपर एथनिक वाइब्स वाला दुपट्टा है, तो अगर हम इससे सलवार सूट या फिर कुछ भी, तो बहुत एक एथनिक सा लुक आता, एक बहुत कॉमन सा लुक आता, तो थोड़ा हमें डिफरेंट लुक क्रिएट करना था, बट उसके साथ ही साथ हम उसे इजीली कैरी कर पाए हर जगह, ऐसा भी लुक हमें चाहिए था। तो हमने डिसाइड करा कि हम इसका काफ्तान बनवाएंगे एंड लुक एट पीस कितना सुंदर निकल के आया, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई दुपट्टा है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो, उसको कैरी करना आपके लिए डिफिकल्ट है, तो उससे आप अपने दुपट्टा से कोई स्ट्रक बनवा सकते हो, काफ्तान बनवा सकते हो, या फिर जैसा भी आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने दुपट्टा को कन्वर्ट कर सकते हो। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका पुराना दुपट्टा यूज़ होगा, दूसरा कि आपकी फैब्रिक की जो कॉस्टिंग है वो बचेगी, तीसरा अगर आपको स्टिचिंग आती है तो उसकी भी कॉस्टिंग नहीं लगेगी, बट येस अगर स्टिचिंग नहीं आती तो आपको स्टिचिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, बट दो मल्टीपल बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से इस फेस्टिवल आप कुछ आउटफिट क्रिएट कर सकते हो स्क्रैच। ये हमने बहुत ही सिंपल सोबर सा रखा है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे जो वी नेकलाइन करवाई है एंड बहुत ही लंबा सा, मीन्स एक काफ्तान होता है ना, आपको काफ्तान कहाँ तक चाहिए ये भी मैटर करता है कि मतलब आपको काफ्तान की जो फॉल है वो आपके हैंड के किस पोर्शन तक चाहिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं करवाया है एंड आई वेंट विद दिस स्ट्रिंग की, ताकि मैं इसको एडजस्ट कर पाऊँ अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही सुंदर काफ्तान ये बन के आया है एंड ये मैंने टेलर से बनवाया बिकॉज आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एक साथ, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट येस, मैं बहुत जल्दी एक शॉर्ट्स के थ्रू एक सीरीज लेके आने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी कुछ सीरीज शेयर करूंगी, जिसमें अभी एक सीरीज अब एंड होने वाली है, 60 डे फेस्टिवल हैक्स मैंने बहुत शेयर किया आप लोगों के साथ में। इसके बाद 60 डे रिसाइकल हैक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, अफोर्डेबल, ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड आई होप ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगे। ये मैंने एक बहुत टाइम पहले, आई थिंक 3 से 4 साल पहले मैंने इस साड़ी को डिज़ाइन करा था एंड मैंने एक बार भी साड़ी को नहीं पहना, सिर्फ एक बार पहना था पिंक कलर के ब्लाउज के साथ में, बट उसकी इमेजेस मेरे पास नहीं है क्योंकि वो फ़ोन जो मेरा गया तो उसमें थी एंड मैंने बहुत रिकवर करने की कोशिश की, कुछ फ़ोटोज़ रिकवर हुई है, कुछ नहीं हुई है। सो चलो, दुखती रख पे हाथ, मतलब कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ नहीं रखना चाहिए। तो ये मैंने एक नेट लिया था स्काई कलर का एंड यहाँ पे मैं सिल्वर बॉर्डर के साथ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत था कि मुझे सिल्वर बॉर्डर ही चाहिए था एंड उस वक्त सिल्वर एंड गोल्ड कलर के जो कपड़े थे ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, जो ब्लाउजेस थे स्पेशली, हर साड़ी के साथ में उसी तरह के ब्लाउजेस आ रहे थे। तो सिंपल मैंने इस लेस को लगाया था एंड कहीं कहीं पर मैंने इस तरह से राइनस्टोन चिपकाए थे, ये देखो, एंड साइड में इस तरह की टैसल हैंगिंग लगाई थी। तो आप भी अगर आपके पास कोई पुराना साड़ी है तो उस पर आप बॉर्डर लगा सकते हो एंड अगर आपके पास कोई साड़ी है तो आप चाहते हो उसको इस फेस्टिवल एक न्यू लुक देना, तो आप ब्लाउज को चेंज करके देखो। इस साड़ी का ब्लाउज मैंने चेंज करवाया एंड ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लाउज है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ, आपकी पूरी साड़ी का लुक चेंज हो जाएगा। आई विश कि इसका जो पिंक ब्लाउज के साथ मैंने इसको स्टाइल करा था वो फोटो मेरे पास होती ताकि मैं आपको दिखा पाती कि दोनों में कितना डिफरेंस था। इतनी बातें कर रही हूँ तो ब्लाउज कलेक्शन मेरा जा चुका है, आप चेक करना, उसमें बकायदा मैंने पूरा डिटेल में शेयर किया है कि ये ब्लाउज मैंने कैसे बनाया है, किस तरह से बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो चेक कर सकते हो। कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न है, मैंने लेस लिया, पिंटेक्स डिजाइन किया है, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। तो बहुत आई एम लव विद दिस ब्लाउज, मुझे ये ब्लाउज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कुछ अगर डिफरेंट ट्राई करना पसंद है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव दिस। सो इस तरह से आप अपनी पुरानी साड़ी के लिए एक नया
ब्लाउज बनवा सकते हो इस फेस्टिवल सीजन एंड उसे एक न्यू लुक दे सकते हो। सो आपको ये आउटफिट आइडिया प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं जैसे बोल रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए, बहुत अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड उससे भी ज्यादा अच्छा लगे तो एक कॉमेंट जरूर ठोकिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। सो बढ़ती हो नेक्स्ट आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। कुछ दिनों पहले मैंने दो सीरीज शेयर की है, प्लेन साड़ी आप थान से लेके किस तरह से बनवा सकते हो, बहुत ही इजी है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने उसमें शेयर की, अगर इंटरेस्टेड हो अगेन चेक करना। तो उसमें से एक जो साड़ी मतलब जो सेडेड साड़ी वो मैंने रॉकी एंड रानी इंस्पायर्ड साड़ी आप लोगों से शेयर की थी, सो वहीं से इंस्पायर होके मैंने ये सूट बनवाया है। एक्चुअली ये सूट मेरा बहुत पुराना था बट अभी बहुत ट्रेंड में है, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये आइडिया शेयर करती हूँ। सो ये देखो शेडेड साड़ी थी मेरी, एक साड़ी का वो एक पोर्शन ख़राब हो चुका था, लगभग 1.5 मीटर कपड़ा मेरे पास बचा हुआ था। सो मैंने क्या किया, इस तरह का एक सुंदर सा सूट मैंने इससे बनवा लिया क्योंकि ये शेडेड है एंड ये बिल्कुल कुछ ना इसमें ना कोई लेस की डिटेलिंग मैंने ऐड की, नथिंग, क्योंकि इसका कलर इसका शेड इतना प्यारा है कि फेस्टिवल में बस आपके चेहरे के ग्लो को ना बिल्कुल ऐसा ऐसा लाइटें जल रही है आपके चेहरे पर ऐसी लगेंगी। तो बस सिंपल सा स्लीव है, सिंपल सा बॉटनेक है, तो इस तरह से अगर आपके पास भी कोई सुंदर साड़ी का एक पार्ट बचा हुआ है, एक पोर्शन बचा हुआ है, तो आप सिंपल स्ट्रेट कुर्ती बनवाएं। अगर आपका साड़ी आपको ऐसा लगता है कि उसमें लेस की डिटेलिंग ऐड करने से वो और भी सुंदर लगेगी तो आप लेस की डिटेलिंग भी ऐड कर सकते हो, बट मुझे ये इसी तरह बहुत अच्छा लग रहा था। सो आउटफिट बिल्ड करना भी एक आर्ट है, आप आउटफिट कैसे बिल्ड कर सकते हो एक सिंपल से सिंपल कपड़े से, कपड़े को भी आप बहुत ही आर्टिस्टिक वे में एक आउटफिट बिल्ड कर सकते हो। तो इसको मैंने स्टाइल करा है अपने एक सरारा के साथ में एंड दुपट्टा के साथ में जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसका लॉजिक मैं शॉर्ट्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो इस तरह के आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच आइडियाज भी आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। द नेक्स्ट एंड लास्ट आइडिया, अफोर्डेबल आइडिया आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, मे बी यू लाइक इट और नॉट, बट मेरे आइडियाज़ हमेशा अफोर्डेबल होते हैं। मैंने कुछ भी इसमें से ऐसा नहीं था कि मैंने फटाफट गई मार्केट से लेके आई एंड मैंने क्रिएट कर लिया, नथिंग, मेरे पास जो था एग्जिस्टिंग जो था उसी से मैंने कोशिश करा एक नया आउटफिट बिल्ड करने की फॉर दिस फेस्टिवल सीजन। मैंने ये सारी आप फोटो देखो बहुत साल पहले, लाइक जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था आई गेस तब मैंने ये सारी स्टाइल करा था। सो ये सारी मेरा बड़ा मन हो रहा था ना कि साड़ी के साथ में कुछ छेड़खानी किया जाए, तो बट मैं थोड़ा डिफरेंट पहनना चाहती थी या डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी। सो नियॉन एंड मेटालिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इस ईयर, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है ना अपने क्रॉप टॉप, मतलब जो रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, वीडियो जाएगी या जा चुकी होगी, बिल्कुल नियॉन ग्रीन कलर का मंगवाया। द रीज़न इज़ कुछ चटकीले भड़कीले एंड बहुत ही चटकीले कपड़े आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल भी अपने वार्डरोब इंक्लूड करते हो ना तो कुछ पॉपअप कलर भी आपकी वार्डरोब का हिस्सा होना चाहिए कि जब आपको अपने स्टाइल गेम को चेंज करना हो तो आप उन पॉपअप कलर को ऐड करके अपना एक आउटफिट जो है बिल्ड कर पाओ। सी मेरे लिए फैशन वो है जो मैं बहुत कम कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग क्रिएट कर सकती हूँ, मेरे लिए फैशन वो है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे लिए फैशन वो है जो सस्टेनेबल भी हो एंड जो आपको एक रॉयल लग्जूरियस फील दे। तो सबकी एक फैशन की अपनी डेफिनेशन होती है, तो मैंने यहाँ भी साड़ी को अपने नियॉन ग्रीन कलर के क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल करा विथ लॉट ऑफ ज्वेलरी। तो इस तरह से आप भी अगर नियॉन कलर में कंफर्टेबल नहीं हो, आप सोचते हो कैसा लगेगा बट स्टिल यू वांट टू ट्राई, सो इस तरह से एक एलिमेंट, लाइक अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो ब्लाउज के साथ उस एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर आप सूट पहन रहे हो तो दुपट्टा के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कुछ भी आप एक एक्सपेरिमेंटल वे में एक पार्ट को लो एंड देखो कि कैसा लग रहा है एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप उसका एक आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वे आप इस फेस्टिवल सीजन अपने डल बोरिंग या फिर ब्लैक साड़ी को रेड साड़ी को अगर मैं उस ग्रीन को इसके साथ भी कंबाइन करती, द रीज़न इज़ कि वो ग्रीन बहुत ब्राइट है, आप देख रहे हो बहुत ब्राइट ग्रीन है मेरा जो ब्लाउज़ है, बट ये जो नियॉन है बहुत मैट में है, तो दोनों को जब मिक्स करती देखो जब ग्रीन एंड स्काई को मैं साथ में रख रही तो कितना अच्छा लग रहा है। सो इस तरीके से बहुत सारे आइडियाज़ को यूज़ करके आप आउटफिट क्रिएट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली था, मतलब एक क्रॉप टॉप ये मैंने शायद 300 के अंदर ही लिया था, तो 300 में मैं बोलूँगी कि आपका एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच या फिर फेस्टिवल रेडी आउटफिट आप क्रिएट कर सकते हो।
ये थे मेरे आज के आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, 4 आइडियाज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। कौन सा आपको सबसे बेहतर से बेहतरीन लगा एंड आपका फेवरेट कौन सा था, प्लीज मुझे बताना ना भूलिए। थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो कोई वीडियो की रिक्वेस्ट है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड मैं डेली 2 शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, 2 से 3, तो अगर आप शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड है, एंड एक मेरी सब्सक्राइबर है बहुत ही प्यारी सी, वो रिक्वेस्ट करिए कि मैं जो है ज्वेलरी हैक्स लेके आऊँ, तो शॉर्ट्स मेरे पूरे हैक्स के ही ऊपर होते हैं, मैं बहुत सारे हैक्स शेयर करती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को चेक कर सकती हैं। तो या आप लोगों को फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई, आप कैसे क्या कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आप में से कोई और फ्रेंड अगर मुझे और थोड़ा नज़दीक से जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग का भी चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।